तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और भाई आज है 7 मार्च और भाई मेरी अपॉइंटमेंट थी आज की ब्लड डोनेट की। एक्चुअली ब्लड डोनेट नहीं, वो है प्लाज्मा डोनेशन। और मैंने लास्ट मंथ भी करा था प्लाज्मा डोनेट, वो मेरे कॉलेज की तरफ से था कि कॉलेज वाली मैडम ने मेरे को बोला था कि आप ऐसे ब्लड डोनेट कर सकते हो। मैंने कहा कर सकते हो, तो उसने कहा कि कर दो डोनेट, ऐसे ऐसे एक वो लगा रखा, कैंप लगा रखा है और आपको उसमें डोनेट करना है। तो भाई मैंने एक अपॉइंटमेंट अगली भी ले ली थी, मेरा जी कर गया था दोबारा डोनेट करने का, तो मैंने नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ले ली थी 7 मार्च की। तो आज की अपॉइंटमेंट है ब्लड डोनेशन की, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा होता है डोनेशन सेंटर। भाई बहुत ही अलग है, इंडिया से बहुत ज़्यादा अलग है। जैसे इंडिया में हमारा था ब्लड डोनेशन सेंटर होते थे ना, तो सेंटर नहीं होते थे, वैसे कैंप लगते थे घर घर के पास। वही बैठ के बस में इतनी भीड़ है मैं क्या बताऊँ। बड़ी मुश्किल से सीट मिली है, बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई बस में, बहुत मुश्किल से सीट मिली है। ये भाई पर्सनल बस है, बड़ी पर्सनल बस। और मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है भाई, आज बहुत बढ़िया धूप निकल रही है। और ये अपने डोनर, क्या ब्लड ग्रुप है आपका? ओ पॉजिटिव मिलता ही नहीं ऐसा ब्लड, आपका मिलता ही नहीं। क्यों नहीं? बहुत कम मिलता है यहाँ पे, तो ओ पॉजिटिव आपके पैर में गिरेगी आगे कहेगी वाह अवतार जी जी। और वहाँ ए पॉजिटिव वाला तो शार, मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया बात है। तो भाई आ चुके हैं, 6 बार मैंने भी दिया ना, एक बार साथ किया रहा आगे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू। तो गाइस हो चुका है हमारा ब्लड डोनेट, तो कैसा लगा आपको फर्स्ट टाइम करें कनाडा में ब्लड डोनेट? फर्स्ट टाइम यहाँ कनाडा में। यूनिवर्सल डोनर है भाई, ओ पॉजिटिव। और भाई बहुत अच्छा लगा, किसी की जिंदगी बच गई, किसी की जिंदगी हमारी वजह से। आवाज क्यों करना, थोड़ा अच्छा लगता है कि हमारी वजह से किसी को एक जिंदगी मिले, किसी को जीने की आस मिला है। तो बहुत अच्छा लगा भाई डोनेट करके। और सबको मैं यही कहना चाहूँगा, ब्रैम्पटन वासी हो कनाडा वासी हो, डोनेट करो ब्लड भाई, डोनेट करो। कनाडा वालों को बहुत ज़्यादा जरूरत है ब्लड की, इंडिया में तो कर देते थे, यहाँ कोई नहीं करता, यहाँ एक आधे बंदे आते हैं हमारे जैसे जो कर देते हैं। तो भाई हो चुका है अपना डोनेशन ख़त्म, अब घर जाना है, कुछ खाना है, चलते हैं हमें खा पी के। चलो कुछ खाते हैं, मेरी भूख लग रही है। मैं तो इनको बोलने आ रहा था कि मैं कुछ खाने रखा, मैं कहा चल छोड़, कभी फिर कहीं नहीं नहीं वी डोंट टेक ब्लड। तो भाई अवतार जी की गाड़ी में देखो क्या क्या हथियार पड़े हैं, चाकू हथियारों से भरे पड़े हैं। खाना की है? क्या खाए? कुछ ड्राइव थ्रू ले लेते हैं, बर्गर, जिम वाले बंदे कहाँ से खाएंगे बर्गर बुर्गर, ले लो ड्राइव थ्रू, कुछ बर्गर ले लेंगे। हैं ना बैठ के क्रेडिट ड्राइवर आ गया, क्रेडिट कैसे जा रहे हैं नीचे की तरफ, ये है ना, ये तो तूने देखा ही गर्मियों में इधर जाना, ये बीचेस आते हैं ना। हां उस तरफ ऐसे ही आता है जिगजैग। तो गाइस अब आ चुके हैं, ब्लड डोनेट कर दिया, खा लिया पी लिया, सब कुछ हो गया भाई। और अपने अवतार भाई, अवतार चाचा अपना जिम में जा रहे हैं फिट फॉर लेस में, और जिम करने गए हैं वो, जिम करने के बाद आएंगे, आधे घंटे में आएंगे। तब तक भाई मैं वेट कर रहा हूँ यहीं पे गाड़ी में, क्योंकि भाई मैं अंदर जा नहीं सकता था क्योंकि क्योंकि उनके पास पास एक ही था जिम का, तो एक ही बंदा अलाउड है, तो वो चले गए। और भाई मैं बैठा हूँ बाहर, आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ, जिम करने जा रहे हैं, आने वाले हैं बस, फिर चलते हैं भाई घर अपना। तो भाई बहुत ही अच्छा दिन गया, बहुत ही अच्छा ब्लड डोनेशन हुई, और बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने, बहुत ब्लेसिंग्स दी। तो भाई अच्छी बात है, डोनेट करो, आप भी करो। जो मेन रीज़न ये है मेरा ब्लड डोनेट करने का कि भाई मैं भी, मतलब मेरे को भी डोनेशन मिली थी जब मैं पैदा हुआ था,
क्योंकि मैं बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था और मेरे को भी डोनेशन, जिसकी वजह से मेरी लाइफ बची और मैं भी ये सोचता हूँ कि हाँ आगे भी किसी ना किसी की लाइफ सेव हो मेरी वजह से। तो भाई अपने अपनी थिंकिंग है, कई बंदे इसलिए भी डोनेट करते हैं क्योंकि ब्लड डोनेशन करने से अपना ब्लड जो है साफ रहता है, मतलब हमारा ब्लड निकलता है, न्यू ब्लड बनता है, निकलता है न्यू ब्लड बनता है, तो इससे ब्लड साफ क्लीन रहता है और बॉडी में बहुत सारी बीमारियों से दूर रहती हैं, तो इसलिए भी करते हैं। तो होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसको करते हैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मेरे ख्याल से बहुत टाइम बाद आया है व्लॉग, तो भाई व्लॉग्स को प्यार दो, शेयर करो और फिलहाल क्या कंडीशन चल रही है कनाडा की जॉब्स वगैरह की, कि जॉब्स जो फैक्ट्रियाँ वगैरह है वो चल गई हैं लेकिन बहुत ही स्लो डाउन है थोड़ा काम। अभी समर में अप्रैल में, मेरे को नहीं पता अभी कब समर आएगी क्योंकि मैं भी न्यू स्टूडेंट हूँ आपकी तरह ही, तो जब भी आएगी समर तो काम खुल जाएगा, बढ़िया सारे काम चल जाएंगे और भाई सबको जॉब्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगी, सब काम बढ़िया हो जाएगा। पेशेंस रखो और भाई कॉलेज वगैरह अटेंड करते रहो और भाई मौज लो कनाडा में। तो भाई जो भी आ रहा है अपना यार टेंशन है, सारी ज़िंदगी चलेंगी पीआर की टेंशन, कमाने की टेंशन, गाड़ी लेनी है, ये लेना है, वो लेना है, तो अपना माइंड क्लियर रखो कि आपको किस लाइन में जाना है, क्या करना है ज़िंदगी में। बस फालतू की टेंशन मत लो, ज़्यादा ओवर थिंक मत करो कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, मिल जाएगा टाइम आने पर सब कुछ मिल जाएगा, बस उस चीज़ के लिए मेहनत करो, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो कि मेरे को ये वो चाहिए, जो भी चाहिए आपको मेहनत करो अपना भाई। कनाडा में आयो, कनाडा घूमो फिरो, स्वाद लो, बस एक चीज़ याद रखो, खुला कमाओ और खुला खाओ, खुला उड़ाओ, ये मत सोचो कि मेरे को सेव करके यहाँ लेके जाने वहाँ लेके जाने, तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है अपने शरीर से ऊपर कुछ नहीं है। अगर आप कमा रहे हो और आपके शरीर को नहीं मिल रहा हो तो आपकी कमाने का कभी कोई फ़ायदा नहीं है, तो जो कमा रहे हो वो आपको खाओ पियो, बहुत सारी चीज़ें मिलती है कनाडा में, फल फ्रूट सब कुछ मिलता है भाई, पर स्टूडेंट्स खाते नहीं, एक एक डॉलर बचाते हैं, तो भाई मैं ऐसा नहीं हूँ। खुला कमाओ, खुला उड़ाओ, बस अपना तो ये असूल है, दब के नहीं रहना, दबा के रहना। तो भाई ये इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर दो, शेयर करो बहुत ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के